हमारा शुरुआत सबसे पहले बड़ी खबर से करेंगे, जहां रायपुर में चुनावी साल में जोगी कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है। विधायक धर्मजीत सिंह बीजेपी में आज शामिल होंगे, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। विधायक धर्मजीत सिंह बीजेपी में आज शामिल हो जाएंगे। कुशाभाव ठाकरे परिसर में बीजेपी की सदस्यता वो लेने जा रहे हैं और चुनाव के सह प्रभारी मनसुख मांडविया उन्हें सदस्यता दिलवाएंगे। तो छत्तीसगढ़ बीजेपी सह प्रभारी नितिन नवीन भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। बताया ये जा रहा है कि धर्मजीत सिंह बीजेपी से प्रत्याशी बनाए जा सकते हैं। जेसीसी के टिकट से 2018 में विधायक चुने गए थे, लोरमी से फिलहाल वो विधायक हैं, लेकिन अब जेसीसी के दामन छोड़कर आज वो भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर लेंगे। और भी ज्यादा बातचीत करेंगे, सीधे रुख करते हैं। गौरव शुक्ला हमारे साथ रायपुर से इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। गौरव, धर्मजीत सिंह जो कि अब बीजेपी के होने जा रहे हैं, बीजेपी को कितना फायदा इससे होगा, और साथ ही ये भी बताइए कि जेसीसीजे के लिए कितना बड़ा नुकसान, और क्या ये कांग्रेस के वोट में भी सेंध लगाया जा सकता है इससे? जी बिल्कुल, देखिए यदि मैं धर्मजीत सिंह जी की बात करूं तो वो पहले से ही जो है काफी पसंदीदा क्षेत्र विधायक रहे हैं क्षेत्र में, और उनकी उतनी ही पैठ उस क्षेत्र में है। लोरमी से वो विधायक है और विधायक होने के नाते उनके जो वहां के क्षेत्र के लोग हैं उनसे सीधा संपर्क जो है वो उनका था, और कहीं ना कहीं जोगी कांग्रेस से निष्कासित होने के बाद उनमें काफी आक्रोश था, और जो जोगी कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी, उनके साथ उनके कुछ कहासुनी हुई थी और विवाद होने के बाद उन्हें निष्कासित कर दिया गया था। और साफ तौर पर विधायक धर्मजीत सिंह ने यह कहा था कि जो उनकी भावना है उसे ठेस पहुंचाने का काम जो है अमित जोगी ने किया है, और उसके बाद से ही जो है लगातार कयास ये लगाए जा रहे थे कि धर्मजीत सिंह जो है वो भाजपा में शामिल हो सकते हैं। और कल देर शाम इस पर मुहर भी लग गई जब धर्मजीत सिंह ने पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह से एयरपोर्ट में मुलाकात की, और उसके बाद ही ये फैसला हो ले लिया गया कि जो धर्मजीत सिंह है वो बीजेपी में शामिल होंगे। आज सुबह 11 बजे का वो वक्त होगा जब मनसुख मांडविया, जो कि छत्तीसगढ़ के लिए चुनाव आयोग के डिप्टी संयोजक है, और उसके साथ ही साथ प्रदेश प्रभारी ओम माथुर, सह प्रभारी नितिन नवीन, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव के साथ तमाम बीजेपी के बड़े नेताओं के उपस्थिति में आज वो सुबह 11 बजे कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में जो है बीजेपी में शामिल होंगे, और इसका असर साफ तौर पर देखने को मिलेगा, क्योंकि जोगी कांग्रेस में रहते हुए कहीं ना कहीं उन्होंने बीजेपी और कांग्रेस दोनों के विरोध में काम किया था। अजीत जोगी के काफी नजदीकी माने जाते हैं धर्मजीत सिंह, तो कांग्रेस को इसका सीधा असर पड़ेगा। हालांकि जोगी कांग्रेस के में अब बात करें तो इतनी उपस्थिति किसी बड़े नेता की नहीं है, तो असर तो पड़ना है, और इसका फायदा कहीं ना कहीं बीजेपी भी उठाना चाहेगी। जो 2008 से ये जो विधायक बने हैं उस टाइम से जो इनका सब फायदा है जो है वो बीजेपी उठाना चाहेगी, और जो चुनाव है 2023 चुनाव के लिए बीजेपी ने जो कमर कसी है, और पुरानी 2018 में विधायक सीट जो इन्होंने गवाई थी और जो अपने सरकार गवाई थी उसे कहीं ना कहीं इस तरीके से पाने की कोशिश जो है वो बीजेपी करेगी। जी बिल्कुल, और देखिए पार्टी में शामिल नहीं हुए लेकिन उसके पहले ही स्वागत का दौर भी शुरू हो गया, जैसे कि आप भी जिक्र कर रहे थे कि कल रमन सिंह से उन्होंने मुलाकात की, और ऐसे में आज जो विधायक है धर्मजीत सिंह वो बीजेपी में शामिल होने जा रहे। तमाम जो अटकलें हैं उन पर विराम आज लग जाएगा जब सुबह 11 बजे कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में वो पार्टी की सदस्यता ले लेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका गौरव तमाम जानकारी साझा करने के लिए। एक बार फिर से आपको बता दें कि जेसीसीजे के प्रमुख नेता रहे हैं धर्मजीत सिंह, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के निधन के बाद से ही अमित जोगी और उनके बीच में दूरियां लगातार बढ़ती गई, और अब दूरियां इतनी ज्यादा बढ़ गई हैं कि वो पार्टी का दामन छोड़कर आज बीजेपी में शामिल हो रहे हैं।